हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने तांडव मचा दिया है। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही वर्षा से सभी नदी नाले उफान पर है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे कई राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक तौर पर बंद है। वहीं सैकड़ों संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में हो रही वर्षा से सभी जिलों में नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू मंडी में बादल फटने की घटना से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। वहीं सरकार का सारा प्रशासनिक अमला लगातार लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही वर्षा से उसमें समय लग रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से संयम बनाकर रखने की अपील की है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि अनावश्यक यात्रा न करें, साथ ही नदी नालों से दूरी बनाए रखें। देखिए, पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जाने हैं वो कम गई है। और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से और जो पर्यटक है उनसे ये अनुरोध किया है कि नदी और नालों के किनारे मत जाइए। अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। पिछले रात से लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है, नदी नाले में उफान भर के आया, प्रदेश को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी जान माल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है, सड़क के किनारे लैंडस्लाइड हुए हैं, कुछ पर्यटक हमारे लाहौल स्पीति में, वहाँ बारिश नहीं होती थी, कम बारिश है, लेकिन वहाँ कुछ पर्यटक हमारे रुके हुए हैं और वो सब सेफ है, किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर जो भी हमसे व्यवस्था बनाई जा सकती है उसके लिए हमने बनाया है। मेरा ये मानना है कि अभी तक सभी लोगों से, सभी डिप्टी कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई है और अभी तक कोई ऐसा बड़े नुकसान की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हिमाचल की जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस बारिश के मौके पर नदी नालों के किनारे मत जाइए। बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश में अक्सर होती रहती है, इससे हमें सावधान रहना है।